आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बड़ा संदेश है। रविवार को भरूच में एक रैली आयोजित कर केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव के लिए शंखनाद कर दिया है, वो भी बीजेपी के गढ़ गुजरात से, जहां केजरीवाल ने जेल में बंद विधायक चेतर वसावा को गुजरात की भरूच लोकसभा सीट से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है, जिसके कई सियासी मायने भी लगाए जा रहे हैं। सुनिए केजरीवाल ने क्या कहा। दोस्तों, आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतर वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि इस ऐलान से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जेल में बंद पार्टी विधायक चेतर वसावा से मुलाकात भी की। केजरीवाल ने कहा कि चेतर वसावा शेर है और शेर को ज्यादा दिन पिंजरे में नहीं रखा जा सकता। वो जेल में रहे या बाहर रहे, हमें चेतर भाई को दिल्ली सांसद बनाकर भेजना है। चेतर वसावा का क्या कसूर है, क्यों उसको जेल में डाला इन्होंने? क्योंकि चेतर वसावा गरीबों और मजदूर आदिवासी लोगों को उनका हक दिला रहा था। जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले आपकी जमीनें हड़पने के लिए आते हैं तो चेतर वसावा बीच में खड़ा होकर आपकी रक्षा करता है, आपकी जमीन की रक्षा करता है। आ जाओ ईडी वालों, बीडी वालों, चलो आओ, देखते हैं कहां कहां तक आओगे। मजाक बना रखा है यार, मजाक बना रखा है। जब भी कोई इलेक्शन होती है चेतर भाई को अंदर कर दो, जब भी कोई चुनाव आया अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो। हद है यार, मतलब हम इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते। चलिए अब आपको बताते हैं कौन है चेतर वसावा, जिन्हें केजरीवाल ने भरूच से पार्टी का उम्मीदवार बनाया है। आदिवासी समाज से आने वाले चेतर वसावा दक्षिण गुजरात की डेडियापाड़ा सीट से विधायक हैं। उन्होंने साल 2014 में भारतीय ट्राइबल पार्टी ज्वाइन की थी, इसके बाद से वह लगातार आदिवासियों के मुद्दे उठाते रहे हैं। चेतर वसावा ने कई प्रदर्शनों में हिस्सा लिया है। चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने भारतीय ट्राइबल पार्टी छोड़ दी थी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद 2022 में वो पहली बार विधायक बने। रविवार को आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो ने चेतर वसावा को भरूच लोकसभा से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित किया है। चलिए अब आपको बताते हैं चेतर वसावा जेल में क्यों बंद है। चेतर वसावा को 14 दिसंबर 2023 को नर्मदा जिले में स्थानीय आदिवासियों द्वारा वन भूमि पर खेती से संबंधित एक मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करते समय वन अधिकारियों को धमकी देने और हवा में गोली चलाने के मामले में गिरफ्तार किया गया था। मामले में उनकी पत्नी शकुंतला बेन को भी गिरफ्तार किया गया था। बात चेतर वसावा के पारिवारिक जीवन की करें तो चेतर वसावा की दो पत्नियां हैं, उनके नाम शकुंतला बेन और वर्षा हैं। बताया जाता है कि पॉलिटिक्स में अपने पति की मदद के लिए चेतर वसावा की दोनों पत्नियों ने अपनी अपनी जॉब छोड़ दी। चेतर वसावा की दोनों पत्नियां एक ही छत के नीचे उनके साथ रहती हैं। 13 साल पहले चेतर वसावा ने शकुंतला से शादी की थी, उनसे चेतर वसावा का एक बच्चा है। चेतर वसावा की वर्षा से शादी 11 साल पहले हुई। चेतर वसावा और वर्षा के दो बच्चे हैं। बहरहाल केजरीवाल ने जेल में बंद चेतर वसावा को लोकसभा का उम्मीदवार घोषित कर इलाके के आदिवासी समाज को साधने की कोशिश तो की है, साथ ही संजय सिंह के बाद चेतर वसावा जैसे जेल में बंद नेताओं को चुनावी मैदान में उतार कर केजरीवाल ने बिना नाम लिए बीजेपी पर तानाशाही सरकार का आरोप भी लगाया है। अब देखना ये है केजरीवाल का ये दांव 2024 के महामुकाबले में कितना कारगर रहने वाला है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।